आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बच्चों, यकीनन आप सब दुआ आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और आज की दुआ आगाज़ में हम तआवुज़ तस्मिया के साथ सूरतुल अलक़ की दोहराई करेंगे और हम पाँच अहादीस पढ़ चुके हैं ना, आज हम इन पांचों अहादीस की दोहराई करेंगे और आखिर में हम दुआए इकबाल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब बच्चे गौर से सुनेंगे और अच्छी आवाज़ से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरतुल अलक। सूरतुल अलक, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم यालम। ठीक है बच्चों, हमने सूरतुल अलक की दोहराई कर ली है और अब हम पांचों अहादीस की दोहराई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हदीस नंबर एक। अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, बात से पहले सलाम करो, बात से पहले सलाम करो। हदीस नंबर दो। इत्तक़िल्लाहा हैथुमा कुन्ता, इत्तक़िल्लाहा हैथुमा कुन्ता, अल्लाह से डरो तुम जहाँ भी हो, अल्लाह से डरो तुम जहाँ भी हो। हदीस नंबर तीन। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर चार। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है, सफाई ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर पाँच। अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। ठीक है बच्चों, पांचों अहादीस की हमने दोहराई कर ली है और अब हम पढ़ेंगे दुआए इकबाल। तो आप सब बच्चे टीचर के साथ मिलकर बहुत अच्छी आवाज़ से पढ़ेंगे दुआए इकबाल। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या
इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस रह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ठीक है बच्चों, आज की दुआ आगाज़ में हमने सूरतुल अलख की दोहराई की और हमने पांचों अहादीस की भी दोहराई की है, ठीक है ना, और आखिर में हमने दुआ इकबाल भी पढ़ी। तो बच्चों दुआ आगाज़ आप लोग रोज़ाना सुना करें ताकि इसमें पढ़ाई जाने वाली तमाम सूरतें, अहादीस और दीगर चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएं, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाही, अस्सलामु अलैकुम।